हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले एलिस यादव फुकरा इंसान द यूकी 07 राइडर और सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में, जो इस समय लंदन गए हुए हैं। लेकिन गाइस, आज उन्होंने अपने ब्लॉग वीडियो में दिखाया कि उनको एक बार सुसु करने पे 15,000 का फाइन लगा दिया जाता है, जिसके पीछे की स्टोरी क्या थी गाइस, उसके लिए मैं उनके ब्लॉग वीडियो की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। गाइस, अभी जो हमारे साथ में हुआ है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब शीशे के कोई पैसे नहीं लगे, हमारे पैसे पता किस चीज के लग गए, टॉयलेट जाने के। भाई सुसु आई थी बहुत तेज की, कहाँ क्या करता। तो ये कह रहे कि साफ करने के अब 150 pounds लेंगे, मतलब 15,000 rupees टॉयलेट करने के। अभी हम क्लीन करके लाए सुबह सुबह भाई, 15,000 rupees की सुसु क्या ज्यादा होगी, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगा, 1500 लगा आपको? आपको 1500 लगा? 1500 का मतलब होता है 15 pounds, 150 pounds कह रहे हैं। सुबह सुबह मस्त क्लीन करके लाए थे हम, लेकिन वो भी तेज आ गई तो वो एकदम से यहाँ पे चले गए। तो इनको ना बिल्कुल क्लीन करके देना होता है, तो उन्हें चेक किया, वो लेकिन इसमें तो सुसु है, 150 pounds लगेंगे इसको साफ करवाने के। भाई तो तगड़ा नुकसान हो गया, 15,000 rupees का नुकसान हो गया, वो भी टॉयलेट करने का, वो भी कैरावैन में। देखो हमने कैरावैन पूरी साफ कर दी थी, अच्छे सब कुछ अपनी जगह पे रख दिया, जैसे हमको मिली थी ना, हमने टॉयलेट भी क्लीन कर दिया था, सब कुछ कर दिया था हमने, बट बोवे को तेज आ गई, जैसे हम यहाँ पहुंचे तो वो चले गए वॉशरूम। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले हैं द यूके 07 राइडर यानी बाबू भैया के बारे में, जो कल एक चीज को लेकर अपने सब्सक्राइबर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसमें उनके कुछ सब्सक्राइबर उनके घर आते हैं और उनकी गाड़ी को डैमेज कर देते हैं, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बाबू भैया ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ये दो स्टोरी लगाई। तो गाइस, आज सुप्रा के साथ ना किसी ने छेड़छाड़ कर दी, ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हो, सुप्रा का जो लेफ्ट वाला डोर है ना, वो किसी ने डैमेज कर दिया, पूरा रैप उखाड़ दिया। एंड इस लड़के को देखो, भयंकर भाई, कौन है ये लोग भाई? गाड़ी मैंने इसलिए थोड़ी ना अपने घर के बाहर खड़ी हुई है कि भाई आप आओ और उसके अंदर बैठो, फोटो खिंचाना इट्स एन ओके थिंग, समझ में आता है, फोटो खिंचाने के लिए किसी को मना नहीं है भाई, बट अपनी गाड़ी समझ के भयंकर कुछ भी कर रहे हो। और ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये मैंने ATX कर दिया भाई, ये बंदा ऑलमोस्ट एक घंटे तक इसके अंदर बैठा, झांका, गाड़ी के अंदर कुछ सामान था, आई डोंट नो चोरी हुआ नहीं हुआ, बिकॉज मैंने तो भी गाड़ी देखी नहीं, मैंने तो केवल बाहर का डैमेज देखा था, बट भाई क्या है ये। तो यार मैंने ना आज तक कभी किसी को अपनी गाड़ी पे फोटो खिंचाने के लिए मना नहीं किया होगा, सब लोगों को ये बात पता है, मेरे घर के बाहर भी गाड़ी रहती है तो फोटो खिंचाओ आओ, बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, आई फील हैप्पी कि लोग फोटो करवा रहे हैं, बट यार गाड़ी खोल करके उसके अंदर बैठना, अंदर से कोई सामान चोरी हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यार? आप लोगों को तो मजा आ गया भाई, जिस बंदे ने वो गाड़ी का दरवाजा छील दिया पूरा, उसका डोर हैंडल निकाल दिया, उसका जो फ्यूल गॉश था वो निकाल दिया, तोड़ दिया यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैंने भी मेहनत से कमाई है ना, आई नो लाइक क्या इशू क्या है, आप आओ फोटो करवाओ, मेरी हिम्मत नहीं होती यार आज तक कि मैं किसी की नॉर्मल गाड़ी में बैठ जाऊँ जब वो इंसान वहाँ पर नहीं है, या तो मैं वहाँ पर हूँ तब आप आकर के फोटो करवा रहे हो, समझ में आता है, बट मेरी भी तो मेहनत से कमाई हुई गाड़ी है ना। अगले दिन यार मैं अगर आपकी गाड़ी में बिना पूछ करके बैठूं, आपको कितना बुरा लगेगा, बहुत दिल टूट रहा है इन सब चीजों से ये करके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मत करा करो, घर पे मत आया करो प्लीज यार ये सब करना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले एलिस यादव और फुकरा इंसान के बारे में। गाइस, आपने इन दोनों से जुड़ी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, जिसमें इन दोनों के फैंस आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन गाइस आज एलिस यादव ने इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने इंस्टा पर एक रील डाली, वो भी फुकरा इंसान के न्यू सॉन्ग पर, जिसके ऊपर फुकरा इंसान ने भी ये कमेंट किया है। गाइस, आपको क्या लगता है, इन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा है या नहीं, मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।